खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। जियो एक्सप्रेस न्यूज़ की सालगिरह के मौका पर मोहतरमा डॉक्टर इशरत सज्जाद साहबा उम्मीदवार असम्बली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब चौधरी रियाज साहब, साबिक सदर प्रेस क्लब राजा वकास सरवर चौधरी अल्लाह रखा साहब और जियो एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम के तमाम मेम्बरान भी मौजूद थे। सब मुअज्जज मेहमानों की मौजूदगी में केक काटा गया। सुनते हैं इस मौका पर मोहतरमा डॉक्टर इशरत सज्जाद साहबा की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले जियो एक्सप्रेस के राजा शफकत साहब आपका, मैं अपने भाई राजा साहब का, चौधरी साहब का, चौधरी कुर्बान साहब का, रफ़ीक साहब का, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही आपके जो खड़ी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं इनका स्पेशली, कि इनका दस्ते शफकत अपनी जो टीम के ऊपर रहा और उसका ये नतीजा है कि जियो एक्सप्रेस जो है बहुत ही कलील टाइम के अंदर जिस तरीके से नुमाइंदगी करता हुआ उभरा है, अपनी माशी की अक्कासी करता हुआ। ये मीडिया जो होती है तीसरी आंख होती है माशरे की और ये चौथा सतून भी कहलाया जाता है। उसके साथ साथ जिस तरीके से सहाफ़ियों का जो किरदार रहता है, मैं समझती हूँ कि खड़ी जो प्रेस क्लब है उस पर बहुत अच्छे तरीके से पूरा होता रहा है और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी धमकाने के अपने जो माशरे की चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करता आया है। माजी में भी इनका बड़ा अच्छा काम रहा और आगे मैं मेरी जो है दुआ है कि इसी तरीके से इस काम को, ये एक नेकी का काम है और ये वो आवाज़ उठाते हैं आप लोग। ये कलम की एक ताकत होती है कि जो आप अपनी तहरीर लिखते हैं ये सिर्फ आप सिर्फ जो फ्यूचर के लिए नहीं होती है, ये जो आने वाला आपका जो वक्त है उसके लिए भी होती है और वो जो तहरीर है वो तारीख का हिस्सा भी बनती है। यहाँ पे बहुत से मामलात हुए जैसे कि जलजला हुआ और उस वक्त जो ये सूरत हाल थी यहाँ पे कोई गुजरना भी नामुमकिन हालात हो गए थे, उस वक्त भी जो है सहाफ़त ने जो एक क्लीदी रोल मैं समझती हूँ कि वो अदा किया, उसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि आप हमारे जो है आँख भी हैं, हमारा जो है आधा बोझ जो है वो कम कर देते हैं। देखिए हम लोग तो खिदमत खल्क कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को जो हमारे माशे के जो हाइलाइट्स होते हैं इशू, उनको आप लोग हाईलाइट करते हैं, कलम के ज़रिए भी करते हैं और जहाँ पे कलम के अलावा अगर आप गुफ्तगुशुनीद से करते हैं तो वहाँ पे भी जाके करते हैं। और ये जो अखबार आपका है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हमारे माशरे की वो अक्कासी करता है कि जो हमने अपने बच्चों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना होता है। मैं दुआगो रहूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी और सबसे ज़्यादा तो जियो एक्सप्रेस आपकी, चूँकि आज सालगिरह है, जिस तरीके से आपने माजी में काम किया इसी सीक्वेंस को लेके आप जो है अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दें कि आप इसको लेके आगे चलें और जो पिसा हुआ तबका है इनकी आवाज़ उठाएं, मजलूमों की आवाज़ बने और कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लेके चले और किया भी, लेकिन अब वो वक्त है कि आपने कलम को सही हक और सच की राह में लेके चलना है और वही जो आवाज़ उठानी है कि जो लोगों की है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर पूरा आगे भी उतरेंगे जिस तरीके से माजी में आप काम करते आए। जियो एक्सप्रेस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जो है दावत भी दी यहाँ पे और मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पे आया हूँ, मैं आपकी खुशियों में शामिल हूँ। ये खुशी होती है कि एक साल का नाम लेना आसान होता है और 365 दिन जिस तरीके से डे बाई डे आपने वर्किंग की और उसका तो नेमुल बदल ही नहीं हो सकता, फिर 2 साल और आज उसी तरीके से आप मेरे सामने खड़े हुए कैमरा लेके और आगे रिपोर्टिंग, आज आपको वहाँ से खबर मिलती है, दौड़े हुए जाते हैं, आपको मिलता कुछ नहीं है, यहाँ से अर्निंग नहीं होती है, ये भी एक खिदमत खल्क का दूसरा नाम है। जो छोटे मोटे मामला आपके चलते रहते हैं उसके बावजूद आप जो नामसाइद हालात में जो माशी की अक्कासी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और हमसे भी जितना बन पड़ा हम आपके साथ हैं और हम चूंकि एक टीम के साथ चलते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरीके से हक को सच लिखने की तौफीक अता फरमाए।